नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला और आज आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन जानकारी लेके आया हूँ, बहुत ही आवश्यक जानकारी। आप सभी बच्चे जब से पेपर दिए हो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, और तब से लगातार आंसर की के बारे में हमारे कितने आंसर सही हैं, क्या कट ऑफ जाएगा। देखिए, एक बात समझिए बच्चों की, अभी आप लोग जो अपना आंसर की मैच करा रहे हो वो संस्थान के हिसाब से करा रहे हो। हालांकि हर संस्थान अपने हिसाब से बेस्ट आंसर की आपको दी है और लगभग सबके एक ही जैसे हैं, लेकिन भर्ती बोर्ड के द्वारा आंसर की बहुत जल्द जारी किया जाएगा और आप उसके उस आंसर की से मैच कराएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट को देखा जाए तो इस पर कोई आंसर की लिंक अभी नहीं आई है, लेकिन आंसर की के बारे में ये सूचना आ गई है कि बहुत जल्द आपकी आंसर की आ रही है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आरक्षित नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर भर्ती की लिखित परीक्षा सकुशल संपन्न कराने के बाद आगे की तैयारियां अब शुरू हो गई हैं। जैसा योगी जी ने बोला है कि हम बहुत जल्द से जल्द इसे क्या कराएंगे, संपन्न कराएंगे। और उन्हें सबसे ज्यादा, जैसे हम लोग को होता है ना कि बहुत बोलते हैं कि इंपेशेंट हो रहे होते हैं, हमारी भाषा में बोले कि बहुत खुजली हो रही होती है चीजों को करने के लिए, उनको जो नियुक्ति पत्र है वो वितरित करने का बहुत ज्यादा इंपेशेंट हो रहे हैं उसके लिए, और वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी किसी भी तरीके से आप सभी को नियुक्ति आदेश वितरित कर दिया जाए और आप वो उनका काम हो जाए, वो तुरंत ही फोटो बैनर छपवा दे, हमने 60,000 नए रोजगार दिए, और बार बार बोल रहे हैं कि 40,000 नए पद लेके आएंगे। तो ये हमारे लिए तो भाई बहुत अच्छी बात है, वो किसी भी तरीके से करें, वो 2027 का अपनी कुर्सी देखें या कोई भी देखें, हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि हमारे लिए भर्ती हो, हमारा सिलेक्शन हो। अभी एक चीज़ समझिएगा, 35 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, लेकिन सिलेक्शन तो केवल 60,244 का होगा, 60,245 वहाँ बच्चा भी सिलेक्ट नहीं होगा, तो ये एक बहुत बड़ी होड़ है, गलाकाट प्रतियोगिता है। तो ऐसे बच्चे जिन्हें लगता है कि नहीं हमारे स्कोर थोड़े से कम रह गए हैं, मैं उनको यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए। आप वही रीजनिंग है, हिंदी है, देखो जिस नए पैटर्न पे पूछा है, क्योंकि अब एजेंसी नहीं बदलेगी, एक चीज ध्यान दीजिएगा, और इसी प्रकार से जैसे नई चीजें इस बार पूछा गया उसे आप पढ़ते रहिए। मैं पूरी जानकारी आपको देता हूं कि बैठक पर भर्ती प्रक्रिया से जुड़े पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड के अधिकारियों ने बैठक कर भर्ती प्रक्रिया से जुड़े चिन्हित जो भी पहलुओं हैं उनको उन्हें निर्धारित किया है। एक सप्ताह में अभ्यर्थी से आपत्तियां आमंत्रित किए जाने की तैयारी है, मतलब इसी सप्ताह में जो आपका चल रहा है इसी सप्ताह में आपकी आंसर की आ जाएगी और आपसे ऑब्जेक्शन ले लिया जाएगा। ऑब्जेक्शन के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था कि आप लोग बता दो कि किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन आपको गलत लग रहे हैं। मैं हालांकि इसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कौन से शिफ्ट में कौन से प्रश्न गलत हैं, जैसे 30 की सेकंड शिफ्ट में 6 प्रश्न गलत हैं, देखा जाए तो 30 के सेकंड शिफ्ट में भी 1-2 प्रश्न गलत देखने को मिले हैं, ऐसे ही 31 में भी 1-2 प्रश्न देखने को मिले हैं, तो लगभग सारे शिफ्ट में कुछ ना कुछ प्रश्न देखने को गलत मिले हैं। 23-24 में कम देखने को मिले, बट फिर भी अगर आपको कोई लगता है तो आप बता दीजिए, उसे हम लोग अच्छे से देख के और बता देंगे कि कौन से प्रश्न पे आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हो। दूसरी बात, ऑब्जेक्शन का जो नंबर है, कई सारे लोग बोल रहे हैं कि बराबर नंबर मिलेगा, बराबर नंबर नहीं मिलेगा, और कई सारे लोग गलत फॉर्मूले से भी बता रहे हैं। मैंने कल देखा मेरे वीडियो के बाद कई सारे लोग ने वीडियो बनाया कि किस आधार पे नंबर बटेगा। मैंने जैसे आपको बताया है कि भाई जितना आपका करेक्ट क्वेश्चन है गुणे आपका 2 होगा और बटे जितने क्वेश्चन नलिफाइड होंगे, मतलब कि अगर 6 क्वेश्चन गलत है तो 144 ही क्वेश्चन बचे ना, तो आप उन प्रश्नों की संख्या से डिवाइड किया जाएगा और उस हिसाब से नंबर बढ़ेगा। तो कोई जरूरी नहीं कि सबको 2 नंबर मिले, जिसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी उसको नंबर ज्यादा मिलेगा एक प्रश्न का, जिसकी एक्यूरेसी कम होगी उसको नंबर कम मिलेगा। किसी भी बच्चे को 2 में 2 नंबर नहीं मिलेगा, उसी को मिलेगा जिसकी 100% एक्यूरेसी होगी, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, और सारे के सारे प्रश्न सही करेंगे। बाकी हर दशा में 2 से कम नंबर ही मिलेगा, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको गलत क्वेश्चन का 2 नंबर मिले, किसी को 1.6, किसी को 1.8, किसी को 1.7, किसी को 1.4, ऐसे नंबर मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो अब आपको यहीं से अपनी दौड़ चालू कर देनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बच्चा कट ऑफ के लिए परेशान है कि सर हमारा क्या सेफ स्कोर हो कि हम दौड़ करें। तो मैं आपको इतना बताऊंगा, वैसे तो मैं कट ऑफ आपका गूगल डेटा फॉर्म आपका ले रहा हूं, लगभग मेरे पास काफी आंकड़े आ चुके हैं। मैं 5 सितंबर को आपको परसों, आज 4 है ना, कल की बात है, मैं कल आपको क्या करूंगा, कल आपके लिए एक बेहतर कट ऑफ की वीडियो लाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप गूगल फॉर्म को अच्छे से भर लीजिए। डेटा बहुत कम आ रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस गूगल फॉर्म को भर दीजिए। मैं इतना जरूर बता रहा हूं कि जितना मैं बोल दूंगा सटीकता, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि नहीं मेरा ही कहना होगा, लेकिन सटीकता, जितना ज्यादा आपका डेटा होगा और आपका डेटा सही है तो फिर सटीकता की तरफ जाएगा, आप उसे ऑथेंटिक मान के चल सकते हो, और हो सकता है कल परसों तक आपकी आंसर की भी आ जाए, उससे मैच भी करा लोगे। रॉ स्कोर के आधार पर मैं आपको कट ऑफ बता दूंगा। अभी मैं आपको इतना बोल रहा हूं कि जिस बच्चे का स्कोर 185 के ऊपर आ रहा है,
वो सारे बच्चे दौड़ बहुत अच्छे से करो, और 185 से नीचे वाले जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा, क्योंकि देखिए इतना भी नीचे कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि 60,000 ही लेना है, हर शिफ्ट के टॉप परसेंट बच्चों को लेना है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 230 240 220 जाएगी, कट ऑफ तो कम रहेगी, लेकिन फिर भी ये मत उम्मीद लगाओ कि जनरल की कट ऑफ 185 से कम नीचे जाए, ये बहुत कम चांस होगा। बाकी जैसे अभी तक डेटा देख रहा हूँ कि हर शिफ्ट में एवरेज 200 जा रहा है, उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन जिनके नंबर फिर 180 से कम है, 165 170 है, उन्हें नई तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। सामने आपकी एनटीपीसी की भी लगी हुई है, नई पुलिस भर्ती आ रही है, यूपीएसआई भी आ रही है, तो आप इनके ले लो। दौड़ में आपको अभी बाकी चीजों पे ध्यान ना दो, बस इतना दो, अगर आप पुरुष हैं तो 4.8 किलोमीटर की दौड़ निर्धारित समय में करने का प्रयास करिए, और अगर महिला हैं तो 2.4 किलोमीटर की दौड़ यहां पे दौड़ने का प्रयास करिए, ठीक है। बाकी सारा डेटा तो मैं आपको बताता रहूंगा, इसी सप्ताह में आपका आंसर की आ जाएगा, और ऑब्जेक्शन के लिए भी मैं आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन बना दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पे आपत्ति आप जता सकते हो। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और वीडियो को लाइक अवश्य किया करिए, और भाई कुछ अच्छे कमेंट भी अवश्य कर दिया करिए, क्योंकि जितना आप कमेंट करते हो हमें आपके लिए और भी मेहनत करने का प्रेरणा मिलती है। मैंने देखा है बहुत सारी संस्थाएं जो आपसे करोड़ों रुपए लेके और अब बैठ गई हैं, अपना एसएससी का कोर्स चालू कर रहे हैं, अपना दूसरे कोर्स में लग गई हैं, कोई आप पे ध्यान नहीं दे रहा है कि हाँ भाई क्या बच्चे को सही सजेस्ट किया जाए। तो ये बात समझिए, केवल वही वीडियो बना रहे हैं कि कट ऑफ क्योंकि चल रही है, उनका कट ऑफ की वीडियोज उनकी रन होगी, लेकिन आप अगर मुझे देखेंगे तो मैंने आपको नंबर डिस्ट्रीब्यूशन के वीडियो बनाया, नॉमिनेशन के फॉर्मूले को भी समझाया, आपके सेफ स्कोर को भी बता रहा हूं, आपकी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसे बता रहा हूं, और आगे की तैयारी के लिए सही गाइड भी कर रहा हूं। तो एक चीज, ये मेहनत करने का और भी दिल करता है जब आप दिल से जुड़ते हैं। आप मुझे आपसे चाहिए क्या, केवल थोड़ा सा प्रेम और स्नेह तो चाहिए। तो लाइक बटन आपके सामने है, लाइक अवश्य कर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इतना मैं गारंटी देता हूं कि बेस्ट से बेस्ट तैयारी। आप लास्ट टाइम में मेरी वीडियो देखेंगे जो भी मैं कराया था, अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे, बहुत सारे बच्चों के मैं कमेंट आपको दिखा दूंगा कि उनको कितना ज्यादा लाभ मिला है, बाकी संस्थाएं उन क्रॉस सेक्शन वाली टॉपिक हो गई, इनके क्वेश्चन ही नहीं कराए, और लेकिन जो हमारे टीचर्स कराए और लगातार क्वेश्चन आपके फंसे भी। मैं इस होड़ में नहीं हूं कि नहीं नहीं हमने सब फंसा दिया, लेकिन मैं इसको जरूर बोल सकता हूं आपके सामने कि नहीं बच्चों, हमने दिल खोल के आपके लिए निशुल्क में वो मेहनत किया है, और वहां से एग्जाम में चीजें आई हैं, तो थोड़ा सा दिल कहता है कि नहीं यार हमने बच्चों के लिए किया है, रिजल्ट मिला है, तो दिल खुश होता है और वो जुबा पे आता है। बस इतना सा है, फिर मिलूंगा, धन्यवाद सभी का, आभार।